निजर पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में कोतवाली सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ती को कराए जा रहे 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे और समापन के दिन SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शेरनी दस्ते में शामिल महिला सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षकों ने महिला सिपाहियों को अराजक तत्वों को सबक सिखाने के लिए उन्हें कानून की बारीकियों को समझने के साथ साथ बिना डरे निर्भीक होकर अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान शेरनी दस्ता के ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव सहित अन्य सामाजिक संगठनों के प्रशिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, श्रेणी दस्ता का आज ये प्रशिक्षण अभी चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है। आज कोतवाली सर्कल से कोतवाली थाना, राजगढ़ थाना, तिवारीपुर से महिला आरक्षीगण आई हुई हैं। आज 21 की संख्या में सब उपस्थित हैं। तो 20 तारीख से प्रशिक्षण सत्र चालू हुआ है। कैंट सर्कल का प्रशिक्षण सत्र पूरा हो गया, आज इनका भी सत्र पूरा हो रहा है। श्रेणी दस्ता के संबंध में आज का जो प्रशिक्षण सत्र था फिलहाल 1 घंटे का था, लेकिन लंबा सत्र हो गया 1.5 घंटे का। आज श्रीमती संगीता प्रकाश त्रिपाठी मैडम जो फैमिली कोर्ट से हैं, गोरखपुर फैमिली कोर्ट से हैं, NGO से संबंधित हैं। आज का जो विषय था NGO से वार्ता चर्चा के संबंध में ही था, किस तरह से हमारी जो महिला प्रशिक्षु यहाँ पर हैं NGO से कैसे वास्ता पड़ सकता है, कैसे इनसे सहयोग प्राप्त हो सकता है, ऐसे बहुत ढेर सारे पहलुओं पे ही आज का ये चर्चा हुआ है। महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, श्रेणी दस्ता कैसे अपने काम को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से संपादित करें, इनके कार्य के बारे में, इनके दायित्व के बारे में इनका मनोबल बढ़ाया गया। श्रेणी की तरह इनको जो बदमाश तत्व हैं उनके सामने आना है, जो बदमाशों से कैसे भिड़ना है, क्योंकि अभी इस विभाग में नए हैं, जिनको प्रशिक्षण की हर पहलुओं पर बहुत आवश्यकता है। तो छोटे छोटे बिंदुओं और ये मुद्दों पर इनको प्रशिक्षित किया गया।